उस समय के बाद लगभग 6 महीने के बाद कंटिन्यूस करने के बाद मेरे आँखों का जो चश्मा -2 था वो 0 हो गया। अभी मैं चश्मे बगैर देख भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मैं अशोक जुरानी अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ। मैं PSMSM में डॉक्टर धीरेन सरेन और पूजा सरेन के थ्रू ज्वाइंट हुआ था लगभग 3 साल पहले। उसके बाद मैंने पिरामिड में मेडिटेशन करना शुरू किया। कुछ समय के बाद लगभग 6 महीने के बाद कंटिन्यूस करने के बाद मेरे आँखों का जो चश्मा -2 था वो 0 हो गया। अभी मैं चश्मे बगैर देख भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। और मेरी अभी एज है 62 एज, तो भी मेरे को चश्मे की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। इससे मेडिटेशन के वजह से हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूँ परम पूज्य ब्रह्मनिषि डॉक्टर बत्रजी साहब का, जिनके वजह से मैं इसमें जुड़ा। उनको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और इसके बाद मेरे फैमिली में भी बहुत ऐसे मिरेकल हुए हैं। मेरे बहू को लगभग एक दिन बहुत माथे में दर्द हुआ, वो डॉक्टर के पास जाना चाहती थी। मेरे बोला पापा क्या करें, मैं उनको बिठाया और खाली उनको 10 मिनट पिरामिड पहनाया तो उनका मथे का दर्द पूरा क्लीन हो गया। उसके बाद उनके लड़के को लगभग 104 बुखार था। उसके बाद उसमें उसको भी हमने 10-15 मिनट मेडिटेशन करवाया तो उसका भी बुखार चला गया। इस तरह से बहुत अच्छा इस मेडिटेशन में जो है बहुत फ़र्क पड़ता है। पिरामिड के हिसाब से बहुत लाइफ में चेंजेस भी आया हुआ है। बहुत मिरेकल्स होते हैं, जो हम सोचते हैं वो सब होता जा रहा है। और जो भी है बहुत अच्छा हो रहा है। अभी मैं करता लाया हुआ हूँ पिरामिड जगत पिरामिड में। फिर भी मेरे पीछे जो भी बिजनेस है बहुत अच्छी तरह से और ऐसे स्मूथली चल रहा है कि मैं विश्वास भी नहीं कर सकता हूँ। सब कृपा है हमारे ब्रह्म श्री डॉक्टर बत्री जी की, जिसके वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सबका, सब मास्टर्स का। और इसके बाद मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगा बत्री सर का, जो उन्होंने दिया है कि मेडिटेशन तो जितना एज है उतना कंपलसरी डेली करना है। ध्यान के बाद अपने को साथ संगत और रीडिंग ऑफ द बुक्स वो भी जरूरी करना है और लोगों को भी सिखाना है। अभी धीरे धीरे मैं अपने वहाँ के अमूल लोगों को, जिनको कोई तकलीफ होती है, उनको पिरामिड दे के बोलता हूँ ये आप मेडिटेशन करो, उसके बाद मेरे को रिजल्ट बताओ। अभी लगभग मैं 8 दिन पहले लगभग 10 जने को ये सब पिरामिड दिए हैं और उनको एक्सपीरियंस के लिए मैं यहाँ से जाके बाद में पूछूंगा कि उनको कैसा है। 2-3 जने का फ़ोन आया कि अभी हम ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम इतना नहीं है और ज़्यादा अच्छा हो रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।